शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। गफूर भाई एक मिनट भाई, वो प्रकाश को शूट कर दिया। क्या बात कर रहा है? प्रताप, प्रकाश, प्रकाश को मार दिया है। एक आदमी का नाम चाहिए, मौके पे कौन कौन था, गोली किसने चलाई और प्रकाश को वहां ले जाने वाला कौन था, सब सब के सब डिटेल चाहिए मुझे अभी। आप फिक्र मत करो रमन भाई, सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छा नहीं किया उन लोगों ने सब शुरू करके। शुरुआत तो तुमने की है रमन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कान्हैया पठान से लफड़ा शुरू मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि भोरी मंदिर का इलाका उसके पास है, फिर क्या जरूरत थी अपने आदमी वहां भेजने? क्यों ना भेजे, क्यों ना भेजे? वो हमारे एरिया में घुस सकता है, हम नहीं घुस सकते। बहुत हो गया गफूर चाचा, हम मैं उस कानिया को ऐसा सबक सिखाऊंगा। रमन, उसको सबक बाद में सिखाना, पहले कमिश्नर से बात करो। प्रकाश खास आदमी था हमारा, पहले उसकी बॉडी हमें मिलनी चाहिए। पर साहब, उसके लिए बॉडी क्लेम करना पड़ेगा
और पुलिस को बताना पड़ेगा कि प्रकाश अपना आदमी है। और फिर तो बता पुलिस वालों को क्या, हमारा आदमी था, कोई कुत्ता नहीं था वो, जो सड़क पे पड़ा रहेगा, हमारे बेटे जैसा था वो, उसके घर वालों को उसकी लाश मिलनी चाहिए कफूर, उसका क्रियाक्रम हम करेंगे। और देख पापा, हेलो, कौन? हाँ रामा शेट्टी बोल। भैया मालूम पड़ा? एक मिनट, रमन भाई। भैया, अरे यार, हाँ बोल, तू उधर ही रुक। साला एक के बदले चार को नहीं मारा तो रमन नाम नहीं मेरा, प्रकाश को मारा है सालों ने। तू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जाके बैठ अपने कमरे में। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी क्यों? ये मौत का खेल फिर से शुरू हो गया। शांत हो जाओ मेरी बच्ची, बस भाई वो यहीं रहता है, अपने सलीम ने बोला था कि इसी ने गोली चलाई। अबे ओ डिस्को, इधर मरने को आया है क्या? अबे बंद करना ये। ए इधर मुन्नी भाई का मुजरा हो रहा है क्या? ए ए ढक्कन खिड़की खोल। अबे क्लास बोल, बोला तेरे को क्या रे शाने, समझ में नहीं आता। In this equation, E stands for the energy released into constant square, where the constant is the speed of light in a solid element. So in the equation, E is equal to mc square, where the atoms are so close. अरे तो और क्या करें हम लोग, जान दे दे तुम्हारे पति के लिए। मार डाला मेरे पति। तुम क्या समझती हो हमें दुख नहीं है उसकी मौत का? अरे तुम अकेली हो क्या उसके गम में? कानिया पठान के एक इशारे पे उसने प्रकाश को उड़ा दिया, मेरे प्रकाश को। सगे भाई से बढ़कर था मेरे लिए वो। अरे कुत्ते की तरह घसीट के मारा है मेरे प्रकाश के कातिल को, खुद जाके मारा है खुद। आपके बदला लेने से मेरा हाथ भी तो वापस नहीं आ जाएगा ना। आधे घंटे में वापस लौट कर आपको फोन कर गया था, मुझे क्या मालूम था कि मैं दोबारा उसकी शक्ल ही नहीं देखूंगी। अरे यार ये समझते ही नहीं है, क्या करे उसके लिए। रमन ये सब चलता रहेगा भाभी, कब तक? तो इन सब बातों पर ध्यान मत दे, जा अंदर जाकर अपने कमरे में पढ़ाई कर। पढ़ाई? पढ़ाई तो कॉलेज में की जाती है भाभी, जिसकी शक्ल मैंने अभी देखी भी नहीं। क्या इस माहौल में जीना भी कोई जीना होता है भाभी? ना हम अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। क्या हमेशा इस बंद पिंजरे के अंदर से देखते रहेंगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे? पगली,
तुझे ये सब हमेशा थोड़े ही ना देखना है। तू तो मेहमान है इस घर में। थोड़े ही दिनों बाद एक राजकुमार आएगा और इस पिंजरे का दरवाजा खोलकर पूरी धूमधाम के साथ तुझे अपने साथ ले जाएगा खुले आसमान में। Come on!
रमन भाई वो सपना भी यही कहीं पे होगी वो। चलो चलो देखते हैं, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो नहीं छोड़ेंगे उसे। लड़की हाथ में आई तो कान के गोली में डालकर फेंक देंगे। चलो चलो चलो, तू इस तरफ जा, तू इस तरफ जा, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।